जबरदस्त हो गए दोस्तों, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। और ये वीडियो दोस्तों G20 के लिए हो रही समिट से रिलेटेड है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में G20 की समिट होने जा रही है और आई थिंक बनारस में 2 से 3 समिट की जाएगी। सो उस समिट्स को लेकर दोस्तों काफ़ी यहाँ तैयारी चल रही है। रोड को साफ सुथरा किया जा रहा है, सड़कों को सजाया गया है, जगह जगह पे अलग अलग तरह की कलाकारी की गई है। सो आज उन्हीं सब चीज़ों को देखेंगे दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इन्जॉय करिएगा दोस्तों, काफ़ी अच्छे अच्छे सीन्स होंगे। आप लोग देखिए कितने अच्छे से रोड को सजाया गया है। दोस्तों अभी मैं ऑटो लेकर वरुणा ब्रिज की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि वरुणा ब्रिज के बगल में ही सारी कलाकारी की गई है, उसी को देखने जा रहा हूँ दोस्तों। और अभी मैं वरुणा ब्रिज पर चढ़ चुका हूँ, उसी के ऊपर अभी है दोस्तों, आप लोग देख लो, यही है वरुणा ब्रिज। अब हम लोग नीचे उतरेंगे दोस्तों अभी मैं वरुणा ब्रिज के ऊपर ऑटो से उतर चुका हूँ। यही वरुणा ब्रिज है दोस्तों, और इसी के बगल में सारी डिजाइन बनाई गई है, सारी कलाकारी की गई है, उसको देखेंगे दोस्तों। अब उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ लेबर हैं जो वर्क कर रहे हैं, कुछ कार्य प्रोसेस में है दोस्तों। और कुछ पोस्टर्स भी लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छे पोस्टर्स हैं, और कुछ डिजाइन भी बनाया गया है। एक बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के साथ टहल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है छोटू। एंड अब हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर कुछ आई थिंक पेड़ की कटिंग करके कुछ चिड़िया बनाई गई है दोस्तों, काफ़ी गजब बनी है। एक जानवर है और आई थिंक कुछ और भी चिड़िया ही हैं, काफ़ी अच्छा है दोस्तों, काफ़ी अच्छी कलाकारी की गई है। जिराफ है और वाह, G20 की काफ़ी सुंदर पेंटिंग बनाई गई है, आई थिंक खक्से के ऊपर बनाया गया है, काफ़ी अच्छा पेंटिंग है दोस्तों, बहुत अच्छा पेंटिंग था दोस्तों, काफ़ी अच्छा पेंटिंग है दोस्तों। अब इन ब्यूटीफुल सीन्स को देखते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आज वीडियो बनाते हुए मुझे एक बैड एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे शायद अलाउ नहीं था दोस्तों, और मैंने वीडियो वहाँ बना लिया। इस वजह से यूपी पुलिस ने मेरा कैमरा कुछ समय के लिए जब्त कर लिया, बट 1 घंटा वेट करने के बाद उन्होंने दे दिया है। अब दोस्तों हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और अपना जो टूर है उसको पूरा करेंगे दोस्तों अब हम लोग रोड पर की गई डेकोरेशन को देखेंगे। काफ़ी अच्छे ढंग से डेकोरेट किया गया है दोस्तों, काफ़ी अच्छी लाइट्स लगाई गई हैं, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। चूँकि करना भी चाहिए दोस्तों, वर्ल्ड लीडर्स आएंगे, कई अलग अलग बड़े बड़े देशों के लीडर्स आएंगे। आप लोग देखिए कितना अच्छा ढंग से इसको डेकोरेट किया गया है। दोस्तों ये G20 समिट इंडिया के लिए एक प्राउड मोमेंट है, क्योंकि इसमें वर्ल्ड लीडर्स आएंगे, वो लीडर्स होंगे जो काफ़ी डेवलप्ड कंट्री से बिलोंग करते हैं तथा जिनकी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी है, और इंडिया इसमें एज ए होस्ट परफॉर्म कर रहा है। सो एक काफ़ी बिग मोमेंट है दोस्तों, काफ़ी एक प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए, एंड आई थिंक होना भी चाहिए, क्यों नहीं हो दोस्तों। इस G20 के अवसर पर बनारस को तो आई थिंक दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। अब देख लो, रोड की भी मरम्मत कर दी गई है, तरह तरह की लाइट्स लगा दी गई हैं, पेड़ों पर भी अच्छी लाइट्स लगा दी गई हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है, सुंदर लग रहा है। एंड इसी तरह के ब्यूटीफुल ही आई थिंक आगे भी बरकरार रखना चाहिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। आप लोग देख लो, ब्रिज के ऊपर भी अच्छी लाइट्स लगाई गई हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड आई थिंक मैं एक रिक्वेस्ट करना भी चाहूँगा सरकार से कि इन सब चीज़ों को आगे भी मेनटेन करके रखे। थैंक यू दोस्तों, आज